हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एस बाला ट्यूटोरियल्स। मैं हूं श्वेता बाला और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। हमारा आज का टॉपिक है सेल इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस। ये बेसिक डेवलपमेंटल बायोलॉजी का फिफ्थ टॉपिक होगा। आज इसमें हम लोग जानेंगे कि सेल आफ्टर स्पेसिफिकेशन किस तरह से आगे मूव करता है, किस तरह से उसे सिग्नल्स मिलते हैं और कैसे वो आगे डिफरेंशिएशन की ओर बढ़ता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है इंडक्शन। ओके, इंडक्शन, सिग्नल इंडक्शन refers to cascade of events during which a cell or tissue signals to another cell or tissue to influence its developmental fate. तो अगर आप term induction की literal meaning की बात करें तो induction का literal meaning हो जाता है influence करना। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं influence। okay, जब एक cell दूसरे cell को इन्फ्लुएंस करता है रिगार्डिंग इट्स ग्रोथ, रिगार्डिंग इट्स फेट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्शन। इंडक्शन जो है एक कैस्केड इवेंट होता है। कैस्केड इवेंट कहने का मतलब है जैसे एक इवेंट हुआ, इसने दूसरे इवेंट को ट्रिगर किया, दूसरे इवेंट ने तीसरे इवेंट को ट्रिगर किया एंड फाइनली हमारा जो है वो रिएक्शन देखने को मिला। तो इस तरह का जब कुछ इवेंट होता है स्टेप वाइज मैनर में तो इसको हम लोग कहते हैं कैस्केड इवेंट। ओके, तो इंडक्शन क्या है, ये एक कैस्केड इवेंट है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ड्यूरिंग विच अ सेल और टिश्यू सिग्नल्स टू द अनदर सेल और टिश्यू टू इन्फ्लुएंस इट्स डेवलपमेंटल फेट। जिसमें कि सेल या टिश्यू, एक सेल और टिश्यू क्या करते हैं, सिग्नल जनरेट करते हैं और क्या करते हैं, वो दूसरे सेल या टिश्यू को इन्फ्लुएंस करते हैं उनकी डेवलपमेंटल फेट की। यहाँ पे एक मैं सिंपल से एग्जांपल आपको देती हूँ। अगर सपोज कीजिए कोई एक सेल है, या सपोज कीजिए एज अ पर्सन मैं आपसे कोई सवाल कर रही हूँ, दैट मीन्स आई एम इंड्यूसिंग यू कि आप मुझे आंसर करो। ठीक है, सो एक तरह से मैं आप पे अपना इन्फ्लुएंस डाल रही हूँ, अपनी बातें कह रही हूँ जिससे कि आप मुझे रिस्पॉन्ड करो, मुझे जवाब दो। ठीक है, तो ठीक इसी तरह सेल्स के अंदर भी होता है। सेल्स भी क्या करते हैं, आप कम्युनिकेशन के लिए इंडक्टिव सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। ये पूरा ग्रोथ पैटर्न जो आप देख रहे हो काफ़ी जो है कॉम्प्लेक्स होता है। इस कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंटल प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सेल्स के बीच में एक प्रॉपर जो है कम्युनिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है, एक तालमेल बहुत ज़रूरी है। और ये कम्युनिकेशन के लिए सेल्स आपस में बात तो कर नहीं सकते, दे डोंट हैव स्पीच, तो ये क्या करते हैं, ये यूज करते हैं इंडक्टिंग सिग्नल्स का एंड इन्हीं सिग्नल्स के थ्रू वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ओके, तो सर्टेन टिश्यूज स्पेशली इन यंग एम्ब्रियोस अपेरेंटली हैव द पोटेंशियल टू डायरेक्ट द डिफरेंशिएशन ऑफ द एडजेसेंट सेल। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो यंग एम्ब्रियोस होते हैं उनके कुछ सेल्स होते हैं जिनके पास ये पोटेंशियल होता है कि वो अपने अड़ोस पड़ोस के सेल को, एडजेसेंट सेल को डिफरेंशिएट करने के लिए इन्फ्लुएंस कर सके। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसिंग टिश्यू रिजल्ट्स इन लैक ऑफ और इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द इंड्यूस टिश्यू। और अगर वो सेल्स नहीं प्रेजेंट होंगी जो कि इंड्यूस कर रही हैं, ठीक है, तो इसका नतीजा क्या मिलेगा, आइदर इम्प्रॉपर डेवलपमेंट या फिर लैक ऑफ डेवलपमेंट, या तो डेवलपमेंट होगा ही नहीं या फिर इम्प्रॉपर डेवलपमेंट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं आइलैंड्स की डेवलपमेंट के लिए, तो आइलैंड्स के लिए डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है ऑप्टिकल वेसिकल्स का। ये ऑप्टिकल वेसिकल जो होते हैं वो इंड्यूसर का काम करते हैं। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर आता है कुछ, यहाँ पे आपका ऑप्टिकल वेसिकल होता है और ये ऑप्टिकल वेसिकल क्या करता है, यहाँ के एक्टोडर्म को इंड्यूस करता है। ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंडक्शन यहाँ पे के जो एक्टोडर्म्स होंगे, ऑप्टिकल वेसिकल के सामने के जो एक्टोडर्म होंगे वो आइलैंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। बट इन अ केस अगर ये ऑप्टिकल वेसिकल यहाँ से रिमूव हो जाता है तो क्या होगा, यहाँ पे आइलैंड्स का डेवलपमेंट
नहीं होगा, ठीक है, या तो क्या होगा यहाँ पे, अगर ये आइलैंड्स डेवलप नहीं होगा तो कुछ तो होगा, दैट इज ये अपने अल्टरनेटिव पाथवे को अटेन करेंगे और यहाँ पे सिंपली ये क्या करेंगे, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, तो सिग्नल जो कि जनरेट हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडक्टिव सिग्नल। एक सेल दूसरे सेल को इंड्यूस करने के लिए जो सिग्नल जनरेट करेगा उसको कहेंगे हम लोग इंडक्टिव सिग्नल। ओके, ये इंडक्टिव सिग्नल कुछ भी हो सकता है, जैसे डिफरेंशिएशन फैक्टर्स हो सकते हैं या डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स हो सकते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स में जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए एफजीएफ फैमिली के जो प्रोटीन्स हो गए वो हो सकते हैं, या फिर टीजीएफ बीटा सुपर फैमिली के हो गए, तो ये सब एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एफजीएफ फैमिली के प्रोटीन्स हो गए, टीजीएफ बीटा फैमिली के प्रोटीन्स हो गए, ये सारे क्या करते हैं, इंड्यूस करने का काम करते हैं, सिग्नल जनरेट करने का काम करते हैं। ओके, और ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं ये सिक्रीट होते हैं एंड दे आर पाराकाइन फैक्टर्स, पाराकाइन फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा कि जितने भी इंडक्टिव सिग्नल्स होते हैं दे आर पाराकाइन फैक्टर्स, दे आर पाराकाइन फैक्टर्स, बिकॉज ये अपने आसपास के सेल्स को इंड्यूस करते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा दूर तक अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाते हैं, ये केवल अपने नेबरिंग जो सेल्स होते हैं उन्हीं को इंड्यूस करते हैं। तो इंडक्शन में क्या हो गया, दो कंपोनेंट होने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, पहला तो इंड्यूसर होना चाहिए और दूसरा रिस्पॉन्डर होना चाहिए। अगर जैसे हमने अभी एग्जाम्पल की बात की आइलैंड्स के डेवलपमेंट की, तो वहां पे ऑप्टिक वेसिकल क्या था, वो इंड्यूसर की तरह काम कर रहा था, ओके, बट उसके इंडक्टिव सिग्नल का रिस्पॉन्स करने का काम कौन कर रहा था, जो हेड एक्टोडर्म थे। अगर इसी ये जो है ऑप्टिकल वेसिकल है, यहाँ जो है यहाँ पे क्या है, हेड एक्टोडर्म का पोर्शन है, ये यहाँ से सिग्नल भेजता है, ये सिग्नल भेजेगा और ये आइलेंस बना देगा। बट अगर यहाँ पे ये जो हमारा ऑप्टिकल वेसिकल है इसको यहाँ से हम सर्जिकली रिमूव करके जो है ट्रंक के एरिया में डाल देते हैं, ठीक है, ट्रंक के एरिया में अगर हम यहाँ पे डाल दें तो क्या होगा, इजंट कि ट्रंक एक्टोडर्म भी आइलेंस का फॉर्मेशन करेगा, बिकॉज ये तो सिग्नल दे रहा है, इंड्यूस कर रहा है, तो क्या यहाँ पे आइलेंस डेवलप होगा इन द ट्रंक रीजन, ये ट्रंक का रीजन है एंड ये हेड एक्टोडर्म है, ओके, तो क्या यहाँ पे होगा आइलैंड्स डेवलप, नो, यहाँ पे आइलैंड्स का डेवलपमेंट नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे जो एक्टोडर्म है इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दिस सिग्नल। ओके, तो किसी भी इंडक्टिव इंटरैक्शन के लिए दो कंपोनेंट्स के होने की जरूरत है, पहला इंड्यूजर जो कि सिग्नल प्रोड्यूस करे, ठीक है, और दूसरे सेल्स के सेलुलर बिहेवियर को चेंज करे, और दूसरा रिस्पॉन्डर होना चाहिए। रिस्पॉन्डर वैसे टिश्यू होंगे जो कि उन सिग्नल्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करेंगे और खुद को इंड्यूस करेंगे। ओके, तो इंड्यूजर टिश्यू जो रिस्पॉन्डर टिश्यूज होंगे उनके पास क्या होना चाहिए, मस्ट बी देयर इज अ सम रिसेप्टर प्रोटीन्स होंगे, ठीक है, जिनके पास क्या होंगे, दे हैव रिस्पॉन्डर हैव रिसेप्टर प्रोटीन, ओके, इनके पास रिसेप्टर प्रोटीन्स होंगे, ओके, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, दैट दे कंटेन द रिसेप्टर प्रोटीन, तभी तो ये इंड्यूसिंग सिग्नल जो है, ये लाइगेंड आप कह लो, सिंपल भाषा में हम लोग जब बात करते हैं सिग्नलिंग के केस में जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, लाइगेंड्स एंड देयर रिसेप्टर्स होते हैं। तो अगर ये इंड्यूसर या इंडक्टिव सिग्नल इज अ लाइगेंड, देन यहाँ पे क्या होना चाहिए, उनके बाइंडिंग के लिए रिसेप्टर मॉलिक्यूलर रिसेप्टर प्रोटीन होना चाहिए जो इन सिग्नल्स को रिसीव करे और उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने देख लिया डेवलपमेंट ऑफ आइलेंस फ्रॉम द एपिडर्मिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आई कप या ऑप्टिक वेसिकल। ओके, द रेंज ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट इज नॉट अनलिमिटेड। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा इंडक्टिव सिग्नल आ रहा है इसका इफेक्ट अनलिमिटेड नहीं होता है, ये कुछ ही सर्टेन टिश्यूज होते हैं जिनको कि ये इंड्यूस कर पाते हैं और कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ही बनाने की क्षमता होती है इसमें। ऐसा नहीं है कि एक इंडक्टिव सिग्नल बॉडी के सारे टिश्यूज को इंड्यूस कर सकता है, नहीं,
एज आई टोल्ड यू कि ये पाराक्राइन फैक्टर्स होते हैं, तो बस ये अपने नेबरिंग सेल्स जो होंगे उनके नजदीक के जो सेल्स होंगे बस उन्हें इंड्यूस कर पाएंगे, रेस्ट ऑफ द सेल पे ये असर नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक चीज और आज जानते हैं। इंडक्शन अगर हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एक बात और हमें जाननी है, दैट इज कम्पीटेंस। ओके, तो जो हमारा सेल था अभी हमने बात की कि हमारे दो चीजों की जरूरत होती है, एक इंडक्टिव सिग्नल की, एक चाहिए हमें सिग्नल, ठीक है, इंडक्टिव सिग्नल चाहिए और दूसरा चाहिए रिस्पॉन्डर। ठीक है, हर सेल जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, बिकॉज दे आर नॉट कम्पीटेंट, यानी उनमें ये काबिलियत ही नहीं है कि वो उन सिग्नल्स को समझ सके और उसके हिसाब से अपना रिस्पॉन्स शो कर सके। ओके, तो एबिलिटी ऑफ द सेल टू रिस्पॉन्ड द इंडक्टिव सिग्नल एंड रिएक्ट इन अप्रोप्रिएट मैनर इज कॉल्ड कम्पिटेंस। तो सेल की वो काबिलियत जिसकी वजह से कि वो इंडक्टिव सिग्नल को रिस्पॉन्स कर पाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कम्पिटेंस। कम्पिटेंस को आप सिंपल टर्म में अगर याद रखना चाहें तो कह सकते हैं एबिलिटी। ओके, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी को हम क्या